कि चाहे कितना भी अच्छा काम करो, इन चार लोगों को कभी पसंद नहीं आता। दोस्तों, एक कहावत है कि तुम चाहे अच्छा करो या बुरा, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार तर्क देते हैं। कोई अच्छा कहता है तो कोई बुरा, उन्हें आप कहने से नहीं रोक सकते। लोगों ने तो मां सीता को भी नहीं बख्शा, जो लंका की धरती पर कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर कर आई थी। हम और आपकी तो औकात ही क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लोगों को दूसरों का काम पसंद क्यों नहीं आता है। तो आइए बने रहिए इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास एक टट्टू था। टट्टू मतलब बोझा ढोने वाला गधा। सेठ जी का एक नियम था, वे प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा स्नान करने जाते थे। जब भी पूर्णमासी आती थी, वे अपने गधे पर बैठते और गंगा स्नान कराते थे। अपने गधे को भी गंगा स्नान कराते थे। एक दिन सोमवती अमावस्या का दिन आया, परवी का दिन था। अधिकतर लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। हर बार की तरह पंडित जी ने भी अपना गधा सजाया। तब तक उनका बेटा आ गया। बेटा कहने लगा, पिताजी आज मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करने चलूंगा। बोले, बेटे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब लोग जा रहे हैं, तुम भी चलो। अब तो सेठ जी के साथ उनका बेटा भी चल दिया। उन्होंने अपने टट्टू की रस्सी खोली और हाथ में पकड़कर उसे पैदल पैदल चलने लगे। सोचा, गधे पर यदि हम दोनों लोग बैठकर चलेंगे तो उस पर बोझा अधिक हो जाएगा। थोड़ी देर की तो बात है, चलो आज पैदल ही निकल लेते हैं। यही सोचकर वे दोनों बाप बेटे गधे की रस्सी पकड़कर पैदल पैदल जाने लगे। उन्होंने तो अपने दिमाग से अच्छा काम किया, पर लोगों की क्या पता वो क्या सोच रखते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें चार राहगीर मिले, जो मेले से लौट रहे थे। सेठ और सेठ के बेटे को पैदल चलता देखकर वे चारों खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूसरे से कहने लगे, अरे भैया ये दोनों कितने बुद्धू हैं, गधा साथ में है फिर भी पैदल जा रहे हैं। चाहते तो गधे की पीठ पर बैठकर आराम से मेले में पहुंच जाते, पर इन्हें कौन समझाए। मुझे लगता है दुनिया में ऐसे पागलों की कमी नहीं है। उन राहगीरों की बात जब सेठ जी ने सुनी तो कुछ सोच विचार कर अपने बेटे को गधे की पीठ पर बैठा दिया और खुद उस गधे की रस्सी पकड़कर पैदल पैदल चलने लगे। कुछ दूर ही आगे चल पाए थे, तब तक उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया। उस बूढ़े व्यक्ति को सेठ की मूर्खता पर और उस लड़के की ढीठता पर बड़ा गुस्सा आया। बूढ़ा आदमी सेठ के बेटे पर नाराज होता हुआ बोला, अरे ओ सेठ की बिगड़ी हुई औलाद, जवानी के नशे में तुम इतने अंधे हो गए हो कि स्वयं तो गधे पर बैठकर चल रहे हो और अपने उस बूढ़े बाप को पैदल चला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तू तो जवान है, हट्टा कट्टा है, पैदल भी जा सकता था, इसलिए चल उतर गधे से नीचे और अपने बाप को गधे पर बैठा कर ले जा। बुढ़े के डांटने पर सेठ का बेटा तुरंत गधे से नीचे उतर गया और सेठ से बोला, पिताजी बूढ़े बाबा ठीक ही तो कहते हैं, आप गधे की पीठ पर बैठकर चलिए, पैदल पैदल मैं चला चलूंगा। दोस्तों, सेठ के बेटे ने अपने पिता को गधे पर बैठा दिया और स्वयं उसकी रस्सी पकड़कर चलने लगा। सोचा, अब ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, कहेगा भी तो अच्छा ही कहेगा कि सेठ का बेटा बड़ा संस्कारी है जो स्वयं तो पैदल चल रहा है और अपने पिता को सम्मान के साथ गधे की पीठ पर बैठा कर ले जा रहा है। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में कुछ स्त्रियां मिली जो एक कुएं पर पानी भर रही थी। सेठ को गधे की पीठ पर और बेटे को पैदल चलता देख उनमें से एक स्त्री अपनी संगी महिलाओं से बोली, ओहो बहन, प्रलय हो गया, ये बुढ़ा कितना दुष्ट और निर्दयी है, खुद तो मौत से गधे की पीठ पर बैठा जा रहा है और उस मासूम बालक को धूप गर्मी में पैदल चला रहा है, कितना बुरा जमाना आ गया। उनमें से एक स्त्री उसकी बात को साधते हुए कहने लगी, बहन घोर कलयुग आ गया है, जब बच्चों के दुख सुख की चिंता माता पिता नहीं रख सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हो, देखो ना उस बेचारे मासूम बालक का धूप में चलते चलते मुंह कुमला गया है। उन महिलाओं का यह कटाक्ष सुनकर सेठ तुरंत गधे से नीचे उतर पड़ा और बोला, बेटी वो स्त्रियां ठीक कहती हैं, मैं बैठकर चलूं और आप पैदल पैदल चलो ये अच्छा नहीं है, वैसे भी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम थक गए होगे, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों ही गधे की पीठ पर बैठ लेते हैं। थोड़ी दूर की तो बात है,
गंगा जी आने वाली है। दोस्तों इस प्रकार सेठ ने अपने बेटे को भी अपने पीछे गधे की पीठ पर बैठा लिया। सोचा चलो अब ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार बाप बेटे दोनों गधे पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए जाने लगे। वे अभी थोड़ा ही आगे बढ़ पाए थे कि सामने से एक वृद्ध सन्यासी आ पहुंचा। सेठ और सेठ के बेटे को एक साथ गधे की पीठ पर सवार देखकर सन्यासी जी बुरी तरह बिखर पड़े। कहने लगे अरे धूर्तो, दया नाम की भी कोई चीज है या नहीं है दुनिया में? इतने मोटे ताजी तुम दो इस मासूम जानवर की पीठ पर बोरे की तरह रखे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नर्क में भी ठौर नहीं मिलेगा। वो बेचारा मूक पशु जो अपनी दुख परेशानी किसी को बता नहीं सकता, और तुम निर्दयी बनकर उसकी पीठ पर इतना भार धरे बैठे हो। दो चार और लोगों को भी बैठा लाते घर से, ताकि वो गंगा तक पहुंचते पहुंचते मर जाता और उसी गंगा में इसका विसर्जन भी करते थे। इस बेजुबान की पीठ पर तुम दोनों इतनी निर्दयता से लदे हो, क्या इसकी जान ही लेकर मानोगे? महात्मा जी के इस प्रकार भला बुरा कहने पर सेठ और सेठ का बेटा गधे से नीचे उतर गया और अपनी गलती की महात्मा जी से क्षमा मांगने लगा और बोले, महाराज हमने गधे की पीठ पर एक साथ बैठकर अपराध कर दिया है, इस प्रकार तो हमारा गंगा नहाना भी निष्फल हो जाएगा। हम इस पाप से कैसे बचे, हमें कोई उपाय बताइए। तब महात्मा जी बोले, सुनो जिस तरह तुम दोनों इस मासूम की पीठ पर लदकर आए हो, उसी तरह तुम भी इसे अपने कंधे पर लाद कर ले जाओ, तभी तुम इस पाप से छूट पाओगे, वरना गंगा नहाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? जिसने माता पिता की न सेवा करी, उसका गंगा नहाने से क्या फायदा? इतना कहकर महात्मा जी तो वहां से चले गए। सेठ और सेठ के बेटे ने गधे के चारों पैरों में रस्सी बांधी और एक बड़ा सा लट्ठा लेकर आए और उसकी टांगों के बीच में डाल दिया, गधे को लटका लिया। अब तो बाप बेटे मिलकर गधे को कंधे पर लटकाकर आगे को चलने लगे। लकड़ी में बंधा लटका हुआ गधा बेचारा बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। गधे को दो लोगों के कंधे पर लटका देखा तो रास्ते में कुछ राहगीर इकट्ठे होकर तालियां बजाकर हंसने लगे। कहने लगे, अरे भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों में गधा कौन है, जो लटका है वो या जो उसे लादे हैं वो? ऐसा तमाशा तो हमने कभी नहीं देखा। एक बोला, अरे भैया एक गधे के नीचे दो दो गधे जा रहे हैं, दुनिया में ऐसे भी गधे होते हैं। एक बोला, जब गधे को हम ही लाद कर ले चलेंगे तो गधा पालने से क्या फायदा? लोगों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। शर्म के मारे खुद गधा कहने लगा, सेठ जी मुझे नीचे उतारो, मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मैं और आगे लटक कर नहीं जा सकता। मेरा काम यदि आप करोगे तो फिर हम गधों को कौन पूछेगा। एक काम करो, आप दोनों ही मेरी पीठ पर बैठकर चलो, थोड़ी दूर की बात है, मैं सहन कर लूंगा। दुनिया वाले जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, दुनिया वालों का तो काम सिर्फ कहना है, सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं और जिसमें जितनी बुद्धि होती है वे अपनी बुद्धि अनुसार ही तर्क देते हैं। लोगों की सुनोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लोग तो अच्छे खासे काम में भी कमियां निकाल देंगे। ऐसी ही लोगों की फितरत है, कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि वे सिर्फ कमियों को ही ढूंढते हैं, अच्छाइयों पर उनका ध्यान नहीं जाता। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों को नीचा गिराने के लिए ही काम करते हैं। दुनिया में ये चार लोग हमेशा दूसरों को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। इन चार लोगों को कभी दूसरों का काम पसंद नहीं आता, चाहे कितने ही अच्छे ढंग से किया गया हो। नंबर एक, ईर्ष्यालु लोग, जो लोग दूसरों से जलते रहते हैं, उनके काम से, उनकी उन्नति से, उनकी खुशियों से, उनके रूप गुण बल से डहा करने वाले लोगों को कभी दूसरों का काम, दूसरों का खाना पीना, चलना फिरना, उनका हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को दूसरों को दुखी देखकर ही खुशी मिलती है, खुद की खुशी से कोई खुशी नहीं होती। दूसरे होते हैं अभिमानी लोग, घमंडी लोगों को सदैव अपने काम अच्छे लगते हैं, सारी दुनिया उनके सामने कुछ नहीं होती। और याद रखना, जो अज्ञानी होते हैं वही अभिमानी होते हैं। नंबर तीन, एक जैसा काम करने वाले, एक जैसा काम करने वालों को भी
कभी दूसरों का काम पसंद नहीं आता, चाहे वो कोई कला हो या व्यापार। नंबर चार, माता पिता को भी कभी अपनी संतान का काम पसंद नहीं आता। दोस्तों इसका अर्थ उल्टा मत लगा लेना, कहने का मतलब है उन्हें पसंद तो आता है पर वे उसे जाहिर नहीं करना चाहती ताकि उनकी संतान बेस्ट से भी बेस्ट बन सके। कहते हैं अगर किसी को उसकी कला के लिए सराहना है तो उसे सर्वश्रेष्ठ कभी ना बताएं, नहीं तो उसकी कला की प्रगति रुक जाती है और उसमें अहंकार का बीज पनप जाता है। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों के काम को पसंद तो करते हैं पर उसे उनके सामने जाहिर नहीं करते। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।